सभी दर्शकों को प्रेम कुमार मोदी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज़, देश का सच दिखाते हैं हम। साथियों जैसे कि पिछले 9 महीने से हम आपको एक एक गांव में जाकर के हरियाणा की एक एक खबरों से अवगत कराते हैं। आज हम पहुंचे हैं गांव सुरैती में और जो विधानसभा झज्जर के अंतर्गत आता है, जिला झज्जर के अंतर्गत आता है विधानसभा बादली, और जो यहाँ के सरपंच है वो है भाई धर्मपाल जी। धर्मपाल जी भाई से जानना चाहेंगे उनकी योजना में कितने विकास कार्य हुए और लॉकडाउन के दौरान ऐसे कौन से कार्य थे जो रुक गए, और अभी जो इनकी 23 तारीख को जो 4 दिन का हरियाणा सरकार ने वापस ले लिया है 5 साल पूरे होने पर, लेकिन आचार संहिता नहीं लगी, ना इलेक्शन की डेट नॉमिनेट हुई है, तो उसका कितना सेटबैक गाँव को या समाज को लगे। धर्मपाल भाई नमस्कार। नमस्कार भाई, सबसे पहले तो बीपी न्यूज चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं पूरे परिवार का, और साहब बताइए थोड़ी है आप किसी योजना रही आपकी पंचवर्षीय योजना? ठीक रही, समाज सेवा हुई, बहुत से काम हुए भाई, स्वच्छ पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, खेल है, इनमें बच्चों को आगे बढ़ाना यही ज़्यादा हो रहा है। शिक्षा स्वास्थ्य पे आपने मूलभूत पानी की जो समस्या थी उन पर काम किया? हाँ, काम किया। तो सर ऐसा कौन सा काम था जो लॉकडाउन की वजह से रह गया, आप कहना चाहते हैं? लॉकडाउन की वजह से ये रहा कि जी कई जगह तो पानी की निकासी थी, वो गंदा पानी के लिए खुदाई करना था, और दूसरी बात थी एक ऐसी चुपार है उस पर कुछ काम रह रहा, निर्माण का काम रह रहा उसका। एक लाइब्रेरी थी उसका भी थोड़ा अधूरा काम रह गया, और जो कि साफ सफाई और बहुत सी व्यवस्था ऐसी है जो कि जाने के बाद अब कोई मान नहीं रहा इस बात को, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि भाई अब जो बरसात हो गई कल जी, तो पानी ज्यादा इकट्ठा हो गया गांव के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसकी निकासी करवानी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ऐसे काम है जो इमरजेंसी है। 4 दिन पहले हमने 2-3 बार सैनिटाइजर भी किया गाँव में भी, क्योंकि मानव सेवा आप तो सेवा, बिल्कुल 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 सेवा जो हो जाए वो अच्छी बात है। अच्छा ये धर्मपाल जी, एक 1966 के बाद में जब हरियाणा बनया उसके बाद में ये पहली बार ऐसा हुआ है बिना आचार संहिता लगे या बिना इलेक्शन की डेट नॉमिनेट हुए आप लोगों का चार्ज वापस ले लिया, तो आपने दिक्कत तो आ रही होगी सर? भाई दिक्कत तो गांव को भी है जी भाई, कोई भी है, कोई नौकरी वाला है, कोई और कुछ है, साइन है वगैरह, बहुत चीज है, क्योंकि कहीं लाइट की प्रॉब्लम है, कहीं पानी की वो हो जाती है, कहीं और चीज, बिल्कुल बिल्कुल, तो गाँव में बहुत सी सुविधा है जो इस वजह से अधूरी रहेगी, असुविधा हो रही है, असुविधा हो रही है। अच्छा एक सर वो आप युवा है, एक अभी माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने एक बिल पास कराया और करवाया संसद में कि भाई 75% युवाओं को जो रोज़गार है वो हरियाणा में प्रोवाइड किया जाएगा। भाई साहब जब ये बिल पास हुए तो आपको कैसा फील हुआ? भाई साहब ये तो देखो रोज़गार मिल जाए अच्छी बात है, मानते हो जी, वो हरियाणा को हो या बाहर का हो, सब अपने उस कर्म करना है उसका आज़ादी है, काम करने की, उसका परिवार सुख में हो जाए, उसको रोज़गार मिल जाए, यही है युवा का, और क्या उससे उसकी ज़िंदगी सही हो, वो गलत रास्ता ना अपनाए उस वजह से। अच्छा दूसरा सर मैं एक और क्वेश्चन करूँगा आपसे, अभी इलेक्शन की डेट तो खैर शायद नॉमिनेट ना हो क्योंकि कोरोना चल रहा है, कोरोना महामारी चल रही है पूरे राष्ट्र में ही चल रही है, तो एक अकेले हरियाणा में या भारत में ही नहीं है, तो जब तक आपके कोई नए इलेक्शन डेट नॉमिनेट ना हो जाए तब तक हरियाणा सरकार को क्या मैसेज देना चाहिए कि आपकी पावर वापस देनी चाहिए? हरियाणा सरकार को यही है कि इनकी पावर दे दे, उससे फिर आम जन को जो सुविधा, हाँ सुविधा मिल जाए, गाँव में विकास कार्य शुरू हो जाए, रुके हुए चालू हो जाए, कोई दिक्कत ना आए किसी को। तो सर अब आने वाली योजना में जो आपकी योजना आ रही है सरपंच की, वो जनरल में है रिजर्व में? जनरल में, तो जनरल में यदि गांव बस्ती, क्योंकि आपने रिकॉर्ड तोड़ वास्तव में काम करवाया है, जैसे वो स्टेडियम की बात हो, आजम साला की बात हो, आपके गांव में प्राथमिक हेल्थ सेंटर नहीं है उसका आपने प्रस्ताव दे रखा है, वेटरनिटी हॉस्पिटल का प्रस्ताव दे रखा है आपने, तो सर यदि गांव बस्ती ये कहे कि धर्मपाल को दोबारा से हमें मौका देना चाहेंगे तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? भाई गाँव है, हमने जो भी हमारे उसमें जो भी काम किया है उसे भाई सब खुश हैं जी, और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हमारे सब भाइयों से प्रेम है, किसी से भी पूरे 5 साल में कोई झगड़ा, कोई तो तुम्हें मैं नहीं, कोई मतलब नहीं, किसी सबसे प्रेम है, और ये गांव में जो भी आदमी आया ना उसका काम किया है तो भाई ये इमरजेंसी होगी आधी रात ने भाई कोई भी तकलीफ है और चीज़, क्योंकि इससे अलग होगी एक सामाजिक सेवा होगी, वो चीज़ अलग है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज़ है, मानवता के नाते, मानवता के नाते ना कदे अपने पावर का वो करे कि भाई मैं इसका अपना वो है। तो दोबारा यदि मौका गाम राम दे है आपने तो उसको एक्सेप्ट करेंगे आप? गाम राम देगा तो जरूर,
तो भाई आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी सेंट्रल कमेटी की तरफ से हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। आप अपने मकसद में कामयाब और गांव का विकास करें और आपका गांव एक कस्बा टाइप में परिवर्तित हो। बढ़ते कदम सच्चाई के कलम, क्योंकि देश का सच दिखाते हम। मेरे साथ साथी सरला भारती के साथ प्रेम पर बहुत हरियाणा।